मुजफ्फरनगर वार्ड 31 में नगर पालिका को सुधारने और स्वच्छ बनाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने संभाली कमान। जनपद मुजफ्फरनगर के नगरीय क्षेत्र के वार्डों में लगातार जिला प्रशासन को सफाई व्यवस्था की शिकायतें मिल रही थी। अब जिला प्रशासन ने एक बीड़ा उठाया है। खुद सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह नगर के हर वार्ड में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और जो भी ड्यूटी पर कर्मचारी नहीं मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में वार्ड नंबर 31 में सवेरे सवेरे ही सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह ने घूम घूम कर निरीक्षण किया, गली मोहल्लों में सफाई व्यवस्था को लेकर मोहल्ले वासियों व दुकानदारों से बातचीत की और पूछा कि यह जो कूड़ा निकालते हैं कब उठाते हैं, नालियां साफ होती है कि नहीं होती, सड़क पर झाड़ू लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती। महिलाओं व दुकानदारों ने नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की जमकर तारीफ की। इसी के साथ ही वार्ड सभासद भी समय समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखती है। कोई भी सफाई कर्मचारी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ता, पूरे वार्ड की अच्छे से सफाई होती है। पूनम शर्मा सभासद ने सिटी मजिस्ट्रेट को अवगत कराया कि वार्ड में जो लाइटें खराब है उनको ठीक कराया जाए। अब हर वार्ड में सिटी मजिस्ट्रेट खुद करेंगे नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा सफाई का औचक निरीक्षण। मई निरीक्षण में सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। सर बताइए जो आज ये निरीक्षण हुआ है किस तरह का निरीक्षण था? देखिए, नगर पालिका मुजफ्फरनगर क्षेत्र में अपने शहर को साफ और स्वच्छ रखने के हेतु लगातार हमें ऊपर से भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग भी अपने व्यक्तिगत स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि शहर हमारा स्वच्छ रहे। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा वार्ड संख्या 31 का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के समय नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो प्रभारी अधिकारी भी हैं सफाई व्यवस्था के पालिका के, वो मेरे साथ रहे और साथ ही वहाँ की सभासद पूनम शर्मा भी साथ में रहीं। हम लोगों ने वार्ड का निरीक्षण किया और वहाँ पर जो सफाई कर्मी थे और सफाई नायक थे उनसे वार्ता भी की, जो जनता के लोग उनसे भी वार्ता की। तो सफाई व्यवस्था को लेकर एक संतोषजनक स्थिति वहाँ पर है और सभासद के द्वारा बताया गया कि वार्ड की कुछ लाइटें ख़राब हैं तो तत्काल जो उसके प्रभारी अधिकारी हैं पालिका में उनको निर्देशित किया गया है कि शाम तक वो लाइटों को ठीक कराएं। और साथ ही सभासद द्वारा बताया गया कि कुछ छोटे छोटे कार्यों की भी समस्याएं हैं तो उसके लिए भी अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनको तत्काल प्रायोरिटी पे पूरा कराया जाए। निरीक्षण के समय सर कुछ कामयाब है? निरीक्षण के समय जैसे जो लाइट्स थी उनको दिखाया गया सभासद के द्वारा, तो कुछ लाइट्स वहाँ ख़राब थी तो उनको सही कराने के निर्देश दे दिए गए हैं।